तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप लोग का मेरी आज के एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में आप लोग को बताना चाहूँगा ऑफर बेस्ट प्राइस है पोकेमोन, जो मैंने लास्ट टाइम इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, पर मैंने इसको डिलीट कर दिया बिकॉज क्योंकि उसमें मेरे पास नाम बताया था, रिवील नहीं किया था। तो आज मैं आप लोग को उसके बारे में पूरा बताऊँगा, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। तो वो मैं चलते हैं टॉप 5 पे जो पोकेमोन आता है वो है एस का सर्रैप्टर। अब आप लोग सोचेंगे आपका सर्रैप्टर क्यों, क्योंकि आपका सर्रैप्टर बहुत ही पावरफुल पोकेमोन था और बहुत ही अच्छा था और वो काफ़ी अच्छे से लड़ रहा था और बहुत ही पावरफुल भी था। बट गाइस बहुत ही अच्छा पोकेमोन था और उसकी वजह से मैं उसको नंबर 5 पे लगा। अब गाइस जो मुझे लगता है मैं बस वही बता रहा हूँ। गाइस मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये है ये नहीं है, मैं जो मुझे लगता है मैं बस उतना बता रहा हूँ। अगर आप लोग को लगता है कि मैंने कुछ गलती की है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। चलते टॉप 4 की तरफ। तो टॉप 4 पे जो आता है वो है एस का हल्लूचा। अब जिन लोगों को पता है एस का हल्लूचा कितना पावरफुल है तो वो है ही, क्योंकि एस का हल्लूचा का कराटा ड्रॉप, उसका वो सब अटैक, उसके काफ़ी अटैक, उसके सारे अटैक बहुत ताकतवर थे। हम लोग को कार्लोस में देखने को मिला था और फिर वो एस के साथ खेलने के लिए तैयार हो गया था इसीलिए, और उसकी ताकत की वजह से मैं उसको नंबर 4 पे रखा। अब लोग चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर जो आता है वो है एस का टॉर्टेरा। अब आप लोग सोचेंगे एस का टॉर्टेरा क्यों नंबर 3 पर है, क्योंकि एस का टॉर्टेरा जो है वो बहुत ही पावरफुल पोकेमोन था और वो बहुत ही शक्तिशाली भी था और वो वो जब टॉर्टर था तब वो इतना पावरफुल था और ग्रोटर बन के वो ताकतवर हुआ, उसके बाद टॉर्टर बन के वो और भी तबाही हो गया, जिसकी वजह से मैं उसको नंबर 3 पे रखता हूँ। अब उनके मैं अब मैं अपना बताना होगा, इसमें इंद्र बताऊँगा जो मुझे आता है मैं ही बताऊँ। प्लीज़ स्पैम मत कर देना कमेंट मुझे। अच्छा अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पे आता है एश का इन्फर्नेव। अब एश का इन्फर्नेव कितना ताकतवर है वो तो सबको पता है, अगर वो अपने ब्लेज में आते तो फिर वो क्या कर सकते हैं सबको पता है। और एस का इन्फर्नो बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही भयंकर है, बहुत ही मस्त है, एकदम मस्त है। अब हम लोग चलते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 पर आते हैं 2 पोकेमोन जो कि हैं बहुत पावरफुल, एस का ग्रीन इंचा और 40। अब जिन लोगों को पता है इसका ग्रीन इंचा और 40 कितने अच्छे हैं वो तो क्या कर बता सकते हैं। तो एस का ग्रीन इंचा और 40 इतने ताकतवर है, मतलब वो जब तक अपने पॉइंट को ख़त्म नहीं करते ना तब तक वो लड़ते रहते हैं। एस का 40 आप लोग को याद होगा कि वो वापस आया था ब्लैक एंड वाइट में, हाँ ब्लैक एंड वाइट में ही आया था और काफ़ी लड़ा था। अब एस का काफ़ी ताकत वाला है ऐसा प्याला ग्रीन निंजा, जो उसको फ्रोगी मिला था कार्लोस में और फिर वो फ्रोगी डियल और फिर ग्रीन निंजा। और फिर हम लोग चलते हैं 40 की तरफ। और 40 तो सब लोग को पता है इतना ताकतवर पोकेमोन है इसका, हम लोग ऐसा सबसे ताकतवर पोकेमोन उसको मानते हैं। बट हो सकता और हम लोग पिकाचू को भी मानते हैं, बट लोग पिकाचू को क्यों मानते हैं क्योंकि हम लोग को लगता है उसका स्टार्टअप पोकेमोन, बट नहीं 40 और ग्रीन निंजा। मैं 100% कह रहा हूँ मैं सब पोकेमोन मैं खुद से नहीं, मैं सबका मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, मैं एकदम 100% कह रहा हूँ एस का ग्रीन निंजा और 40 सबसे ओपी है। हाँ तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लो, चैनल पे ना हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। और मैं मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो में। और यू कार्ड आप लोग ने डाउनलोड किया है कि नहीं है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वो कैसी लगी आप ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आप लोग कमेंट में मुझे ये भी बताना कि मैं ये इस वीडियो को एडिट करते हुए आपको दिखाऊंगी नहीं। अगर आप लोग चाहो तो मैं इस वीडियो को एडिट करते हुए इसका एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को दिखाऊंगा। तब तक के लिए बाय।